मॉर्निंग, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैं ट्रेन में बैठी हूँ और मैं इतनी पूरी तरह से गीली हो गई थी और मैं जबलपुर जा रही थी। जबलपुर पूरा गीली हो गई तो ट्रेन भी छोटे छोटे बची और एक हादसा होते हुए बचा है कि मैं ट्रेन की पटरी के नीचे भी आने से बची हूँ। बहुत बुरा हादसा हुआ है। बस आप लोगों की प्यार और आप लोगों की दुआ और बच्चों के प्यार और फैमिली की दुआओं से मैं बच गई। बहुत बुरा खतरा होने वाला था और इतनी ज़्यादा भीग गई थी, ठंडी लग रही थी, पूरा पानी ने टप टप टपक रहा था कपड़ों से। तो मैंने ये फिर ये मैंने मूँगफली और मटर लिया जिससे कि मैं कुछ खाऊंगी तो शायद गर्मी मतलब गर्मी महसूस होगी। तो मैंने उसको खरीद के मैं खाने लगी और इतना ठंडा लग रहा था, कम से कम मैं 3 से 4 घंटा मैं मतलब बैठी हूँ गीले कपड़ों में और मैं चेंज भी नहीं की क्योंकि कहाँ चेंज करती समझ में नहीं आ रहा था। सो चेंज नहीं किया, वैसे मैं भीगती रही, वैसे मैं बैठी रही भीगते हुए। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, खुजली भी हो रही थी। अभी देखिए मैं उतर गई हूँ जबलपुर स्टेशन, तो मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। इतना ज़्यादा ठंड लग रही है, इतना ज़्यादा ठंड लग रही है मैं क्या बताऊँ अब। लेकिन थोड़ा सा कपड़ा सूखा हुआ है, अभी लगभग मेरे कपड़े ही ज़्यादा ठंड सूख चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम इंतज़ार करना, मैं ड्यूटी से छूटों का तो आऊँगा। तो मैं फिर यहाँ बैठकर उनका इंतजार करने लगी और फिर बैठे बैठे मैंने सोचा थोड़ा बहुत एक दो रील्स बना लूँ। तो लेकिन थोड़ा सा ना पब्लिक प्लेस पे थोड़ी शर्म आती है, अजीब सा लगता है कैसे मैं वीडियोस बनाऊँ। दोस्तों मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मैं आऊँगा तुम्हें लेने, तो अपने ड्यूटी से छूटेंगे फिर वो यहाँ आएंगे मतलब मुझे लेने। इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ, कपड़े गीले हैं बट थोड़े सूख गए हैं, तो अब मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं सीधे घर पे चेंज करूँगी। ठंडी काफ़ी लग रही थी तो मैं यहाँ चाय के ठेले पर आ रही हूँ, चाय पीने लगी हूँ। और आइए आप लोग मेरे साथ चाय पी लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ये स्टेशन है जबलपुर स्टेशन, वहाँ का सीन है ये सारा। तो बस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। अभी मुझे ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही थी, फिर मैंने गर्मा गर्म चाय पिया है, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और कपड़े मेरे लगभग सूख चुके हैं, काफ़ी सूख चुके हैं कपड़े। कर रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा घूमी है। देखिए जब वो आएंगे तो मैं चली जाऊँगी और लेने आएंगे अभी मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा रील्स बना लूँ। कितने देर लगा है, भीगे हुए हैं हम, पकाऊंगी, रुको बैठ जाऊँ पहले अच्छे से। तो देख रहे हैं दोस्तों फाइनली मेरे जो हस्बैंड है ना वो आ गए हैं और मुझे लेके चल रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हैं स्टेशन, काफ़ी देर तक इंतजार रही हूँ, 1.5 घंटा लगा है मुझे इनका इंतजार करने में, काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है ना कहीं लेके भाग रहे हैं, इतना देर तक चला रहे हैं गाड़ी, देख रहे हैं। कर क्या रही है, पर बाहर भी नहीं आई, देखो खुश रहो। थैंक यू। क्या कर रही थी, सो गई थी क्या? अरे मैं आती हूँ तो तुम लंबे लंबे क्यों दिखते हो बेटी? अरे बाप रे, कैसा फील हो रहा है? अच्छा। ऐसा वाला अच्छा वाला? कैसा वाला अच्छा वाला? अच्छा वाला। बस भाई तुम्हें बड़े 2 दिन छुट्टी लेकर तुमने बच्चे पास तो डाल उठा दो। कड़क चाय बनाने के लिए बोल रही थी तुम? नींद आ गई मुझे। वाह वाह वाह, देखो अभी भी अभी थोड़ा सा सूखा है, ऐसे पूरा पानी से टपक रहा था ना, इतना टपक रहा था ना कि क्या बताऊँ।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तूफान ने दोस्तों घर आ गए हैं, इनको कोई खुशी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ये हिसाब किताब करे कितन किस चीज़ में कितना खर्च करे हैं, है ना, यही कर रहे हो ना। हम सब चेहरे के एक्सप्रेशन समझ जाते कि क्या कर रहे हो तुम। आँखों में बिल नहीं हो गई है, गौर से मत देखना आप लोग को। वो सुनो, उसको बेरी के पत्ते को छुआई थी। अरे क्या क्या उपाय नहीं किया, लहसुन छुआई थी, लहसुन लहसुन भी छुआई। नहीं भाई मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा जलने लगेगा फिर। तो ठीक है दोस्तों, मेरी बेटी जा रही चाय बनाने, क्या करने जा रही परी, चाय बनाने। तो ठीक है फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, काफ़ी थक गए हैं और अभी मुझे कपड़ा चेंज करना, क्योंकि गीले भी हो गए थे। ये यूट्यूबर एक यूट्यूबर आपको यूट्यूब दिखाने आए हैं, देखा दिखेगा ये। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। अरे वाह वाह, गुड, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।